हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर रुचिका गर्ग। अब हम पढ़ेंगे पोस्टमार्टम हेमरेज हिंदी में। तो पीपीएच, एज वी ऑल नो, इट्स अ लीडिंग कॉज ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ है। लेकिन हम अगर हम पीपीएच को प्रॉम्प्टली रिकग्नाइज कर सकें और एग्रेसिव ट्रीटमेंट दे सकें तो मैनी डेथ्स कैन बी अवॉइडेड। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ब्लड लॉस, दैट मीन्स वन और मोर ऑफ द क्राइटेरिया, लाइक जिसमें कि या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े या हीमेटोक्रिट 10 पॉइंट से कम हो जाए। वैसे कहते हैं, डेफिनेशन है कि अगर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में 500 ml और सिजेरियन में 1000 ml ब्लड लॉस हो तो उसे पीपीएच कहते हैं। एक्चुअली इनएक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ ब्लड लॉस होता है, वी आर नॉट एबल टू एक्यूरेटली एस्टिमेट। जो जितना होता है उससे हम कम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सिम्टम्स ऑफ हेमरेज शॉक आ सकते हैं। क्लासिफिकेशन इसका है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, थर्ड स्टेज। प्राइमरी हेमरेज विद इन 12 आवर्स ऑफ बर्थ, सेकेंडरी हेमरेज अप टू 6 वीक्स ऑफ बर्थ, और थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज होती है। थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज है गोल्डन आवर आफ्टर अप टू 1 आवर फॉलोइंग डिलीवरी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच है यूट्राइन एटोनी, जो 80% केसेस में होती है। तो एटोनी क्या है? ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस की वजह से, जैसे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रेमियोस। तो पीपीएच के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? जिनमें एपीएच रहा हो, एंटीपार्टम हेमरेज, लाइक लो लाइंग प्लेसेंटा, क्योंकि जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो नॉन रिट्रैक्टाइल होता है। लोअर सेगमेंट हैज नो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। तो दीज पेशेंट्स मे लैंड इन टू अब्रप्ट पोस्टमार्टम हेमरेज। लाइकवाइज अब्रप्शो प्लेसेंटरी में अगर कोवेलियरी यूट्रस हो गया या अदरवाइज भी, दीज में हैव मोर चांसेस ऑफ पीपीएच। ऑगमेंटेड लेबर, इंड्यूस्ड लेबर, अगर देर इज कोरियोएम्नियोनाइटिस, इन्फेक्शन है, फीटल मैक्रोसोमिया, यूट्रस ओवर डिस्टेंडेड है, फीटस का साइज बड़ा है, मेटर्नल एनीमिया, बिकॉज एनीमिक अगर मदर है तो वो जितना भी थोड़ा बहुत ब्लड लॉस होगा उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगी, मेटर्नल ओबेसिटी, ट्विन प्रेगनेंसी, प्री एक्लेम्शिया एंड प्राइमी पैरा। दूसरा है यूट्राइन रप्चर, ऑब्वियसली पीपीएच होगा, कोएगुलेशन डिसऑर्डर, रिटेन प्लेसेंटा में सीवियर पोस्टमार्टम हेमरेज होगा, रिटेन क्लॉट्स, ठीक है, इसके साथ इन्वर्जन यूट्रस में होगा या फिर कोएगुलेशन अबनॉर्मैलिटीज़ हैं। कुछ जनरल एनेस्थेटिक्स हैं, उनकी वजह से भी पोस्टमार्टम हेमरेज में पेशेंट जा सकता है। प्रोलॉन्ग लेबर, रैपिड लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर जिसे कहते हैं, बहुत फास्ट लेबर, या फिर प्रोलॉन्ग लेबर, लंब लेबर ज़्यादा समय तक चल जाए तो यूट्राइन इनर्शिया हो जाता है, तो वो ऐसा यूट्रस पोस्ट डिलीवरी भी कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं रह पाता। ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड लेबर, इफ़ देर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन एटोनी इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, कोरियोएम्नियोनाइटिस, या कुछ अबनॉर्मल प्लेसेंटल लोड्स रह जाएं, जैसे कि सक्सेंचुरिएट लोब या एक्रीटा इनक्रीटा, टिश्यू ट्रॉमा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, तो टिश्यू में रिटेन प्लेसेंटा, ट्रॉमा यानी कि ट्रोमेटिक पीपीएच, थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स, और टोन, टोन मतलब एटोनिसिटी। दीज आर द 4 T's ऑफ पीपीएच, टिश्यू, ट्रॉमा, टोन। तो टिश्यू यानी कि रिटेन प्लेसेंटा, रिटेन प्रोडक्ट्स, ट्रॉमा, ट्रोमेटिक पीपीएच, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कोएगुलेशन डिसऑर्डर, एंड टोन मींस एटोनिसिटी। तो एटोनिसिटी के वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज एटोनिसिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 80%, उसमें यूट्राइन एटोनी का कॉज है, बिग बेबी, मैक्रोसोमिया, पॉलीहाइड्रेमियोस, मल्टीपल प्रेगनेंसी, एनीमिक प्रेगनेंसी, दिस हिस्ट्री ऑफ कोरियोएम्नियोनाइटिस। तो ट्रॉमा कैसे हो सकता है? सर्वाइकल टीयर, पेरिनियल लेसरेशंस, वल्वा वेजाइना रप्चर्ड यूट्रस एंड वल्वल हीमाटोमास भी, एपिजियोटमी एक्सटेंड हो जाए, फॉर्सेप्स विंडोज डिलीवरी में। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं पीपीएच के? एनीमिया में चला जाएगा पेशेंट, और पोस्टमार्टम हेमरेज ज़्यादा हो जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी निक्रोसिस हो जाएगी। पेशेंट जो है एक्सेसिव फ्लूइड देने से डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी में जा सकते हैं, या फिर बहुत सारे कोएगुलेशन फैक्टर्स का कंसेप्शन होने की वजह से कंसेप्टिव कोएगुलोपैथी यानी DIC में भी जा सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है एंड दे आर मोर लाइकली टू गो इनटू पोस्टमार्टम डिप्रेशन।
तो अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे, हमें कैसे इसको एंटीनेटली प्रिपेयर करना है। बेसिकली हमें एनीमिया को पहले से डिटेक्ट करना है, क्लासिफाई करना है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तो उसे, आई हैव ए सेपरेट वीडियो, मेरा एक है आयरन डिफिशियंसी हिंदी इंग्लिश दोनों में, और ये सब वीडियोस को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है। तो इट वुड बी बेटर इफ़ यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आप करिए जब, एंड आई विल प्रोड्यूस मोर वीडियोज़। अल्ट्रासाउंड हमें प्री ऑप करना है डिलीवरी से पहले, ताकि हम बिफोर हैंड प्रिपेयर रहें कि बेबी का साइज़ ज़्यादा है या फिर प्लेसेंटा एक्रीटा है या इनक्रीटा है, क्योंकि इन सब में पीपीएच होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और हमें ऐसी जगह डिलीवरी करनी चाहिए जहाँ ब्लड बैंक और सर्जिकल फैसिलिटी हो। जिनोवा विटनेस वो होते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लेते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करें, यूके वगैरह में काफ़ी होते हैं। शॉक के फीचर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, डोंट अंडर एस्टिमेट द ब्लड लॉस। तो अर्ली शॉक में जो है पेशेंट को सिर्फ टैकीकार्डिया हाइपोटेंशन होगा, लेकिन बाद में जो है हाइपोटेंशन के साथ कार्डिक एरिथमियाज या कार्डिक फेलियर भी हो सकते हैं, रीनल फेलियर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है जैसे कि हेपेटिक और जीआई। तो शॉक को कैसे क्लासीफाई करेंगे, क्लास वन है कि लेस देन 15%, क्लास टू 15 to 30%, ठीक है 30% ऑफ ब्लड वॉल्यूम हैज़ बीन लॉस्ट। क्लास थ्री है 30 to 40%। तो इसमें बेसिकली दिस इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्लास वन में पेशेंट के पैरामीटर्स जो हैं पल्स, बीपी, ब्लड प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लास टू में जो है थोड़ा टैकीकार्डिया होगा, मोर देन 100, 104, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज होगा, लेकिन क्लास थ्री में सी विल बी हैविंग सीवियर टैकीकार्डिया, 120 से ऊपर पल्स और बीपी भी काफ़ी डिक्रीज। तो वी शुड नो कि 30% से ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, तो वी हैव टू रिप्लेनिश दैट अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। हमारा गोल्स ऑफ थेरेपी क्या है कि हमें 90 mmHg से ऊपर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रखना है। अगर हमने कम रखा तो वाइटल ऑर्गन्स जो ब्रेन और उनका परफ्यूज़न है वो कम हो जाएगा, तो पेशेंट इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी में और इरिवर्सिबल मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में चला जाएगा, और रिवाइव होना मुश्किल नहीं है। तो बेसिकली फ्लूइड रिससिटेशन देना है जब तक कि ब्लड ना आ जाए। यूरिन आउटपुट हमें मेंटेन रखना है ताकि किडनीज को एडिक्वेट परफ्यूज़न होता रहे। 25 ml पर आर या 0.5 ml पर किलोग्राम पर आर, इट्स अ वेरी सिंपल टू रिटेन। सोर्स ऑफ हेमरेज उसे हमें वो करना है, हमें जो कुछ भी हमारा कॉज है दैट शुड बी, उसको हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट के साथ ही ठीक करना है। प्रिवेंशन के लिए पोस्टमार्टम हेमरेज को AMTSL यानी एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज़ इम्पॉर्टेंट। AMTSL पे शॉर्ट नोट भी आता है। AMTSL में क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट में ऑक्सीटोसिन देना है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फीटस, कोई एंटीरियर शोल्डर वगैरह का चक्कर नहीं है। 10 units IV is to be given, control cord traction, brand and use manure and uterine massage should be given. तो प्लेसेंटा की कैसे डिलीवरी करनी है, ब्रांड एंड यूज से एक हाथ सुप्रापिबिक रहेगा, दूसरा यूट्रस में रहेगा, एंड वी गिव डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स प्रेशर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें AMTSL में क्या है, ऑक्सीटोसिन देना है डिलीवरी के तुरंत बाद, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन से प्लेसेंटा को निकालना है, फंडल मसाज करना है इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो पहले PPH को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वी गिव यूट्रोटोनिक एजेंट्स लाइक ऑक्सीटोसिन। इवन हाई डोज ऑक्सीटोसिन कैन बी गिवन लाइक 40 units, पहले तो 10 to 20 units ही देंगे। अगर यूट्रस एटोनिक है, टोन नहीं आ रही है, तो वी कैन गिव हाई डोजेज ऑफ ऑक्सीटोसिन। उसके साथ वी कैन गिव मेथर्जिन, बट मेथर्जिन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद सीवियर प्री एक्लेम्पशन हार्ट डिजीज। दूसरा चीज़ है PGF2 अल्फा कार्बोप्रोस्ट या प्रोस्टेडिन नाम से आता है, इन और बाकी सब USFDA अप्रूव नहीं है। फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू गिव ऑक्सीटोसिन। आजकल Novo7 रिकॉम्बिनेंट एक्टिवेटेड फैक्टर 7A आ गया है, इट कैन बी ट्राइड, एंड इवन फ्रेनिजेमिक एसिड हैज़ ऑल्सो बीन ट्राइड एंड फाउंड टू बी इफेक्टिव। पहले हमें एटोनिक PPH के मैनेजमेंट में बाई मैनुअल कंप्रेशन करना है, एक हाथ सुब्रापिबिक, दूसरा यूट्रस में, मिथर्जिन, कार्बोप्रोस्ट। तो कार्बोप्रोस्ट जो है 15 methyl PGF2 अल्फा 250 माइक्रोग्राम
ये अप टू 8 मैक्सिमम डोजेस दे सकते हैं, इंट्रामायोमेट्रियल भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर जनरली गिवन, बट इसका साइड इफेक्ट है डायरिया एंड वॉमिटिंग। मिथर्जिन मिथाइल एर्गोमेट्रिन 0.2 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर। मीजोप्रोस्ट कैन बी गिवन बाई डिफरेंट रूट्स लाइक सब लिंगुअल, बक्कल, ओरल एंड पररेक्टल एंड परवेजाइनल, बट पररेक्टल 1000 मिलीग्राम दैट इज 5 टेबलेट्स ऑफ मीजोप्रोस्ट कैन बी गिवन। तो स्टेप वाइज डीवस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस, पहले हमने मेडिकल मैनेजमेंट में यूट्रोटोनिक्स ट्राई कर लिया, अगर नहीं है तो हमें स्टेप वाइज डीवेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस करना है, जिसमें पहले बायलेटरली यूट्राइन आर्ट्री बांधना है, अगर नहीं ब्लीडिंग कंट्रोल हुई तो इंटरनल आइलैक आर्ट्री भी बांध सकते हैं विद द वाइक्रिल, जिससे कि पल्स प्रेशर कम होगा। इंटरनल आइलैक आर्ट्री जो कॉमन आइलैक आर्ट्री के बाइफर्केशन के बाद जब इंटरनल निकलती है उसके बिलो 4 सेंटीमीटर हमें बांधना है, अगर फिर भी इंटरनल आइलैक आर्ट्री से भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं है देन वी कैन गो फॉर हिस्टरेक्टमी। पहले ड्रग्स फिर स्टेप वाइज डीवेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस, उसमें भी पहले यूट्राइन आर्ट्री बांधेंगे, अगर यूट्राइन आर्ट्री से ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई है तो इंटरनल आइलैक आर्ट्री बांधेंगे, अगर फिर भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं है तो वी माइट गो फॉर हिस्टरेक्टमी, स्पेशली इन ए पेशेंट हुज फैमिली इज कंप्लीट आफ्टर टेकिंग ड्यू कंसर्न। और पेशेंट को बता देना है कि अभी आपका भी बच्चा कंसीव नहीं कर सकते, बिकॉज मेनी टाइम्स उस समय वो पैनिक में बोल देते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स दे मिस यू दैट द डॉक्टर हैज रिमूव्ड माय यूट्रस। अब आता है दूसरे यूट्राइन कंजर्वेटिव प्रोसीजर्स लाइक यूट्राइन पैकिंग, यूट्राइन आर्ट्री एम्बोलाइजेशन, बलून टम्पोनाड। बलून टम्पोनाड में सैंगस्टन ब्लैक मनी ट्यूब या बकरी बलून या फॉलीज कैथेटर से वो बनाते हैं और वो प्रेशर डालता है लोअर सेगमेंट और यूट्रस पे, जिससे कि ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है। और इन द मीन टाइम अगर हमारे पास हम फैसिलिटी नहीं है तो हम एंटी शॉक गारमेंट्स बना के पेशेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे भी पल्स ब्लड प्रेशर पेशेंट का थोड़ा सा उठ जाता है। तो जो हाइपोक्सिक ब्रेन इंजुरी और वाइटल इंजुरीज की एक्यूट किडनी इंजुरी, ये सब अवॉइड हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ बलून फॉलिस कैथेटर से बलून आजकल बहुत इजी है बनाना एंड इट विल हैव ए टेम्पोनाड। उससे पहले टेम्पोनाड टेस्ट करके देखेंगे, एंटी पोस्टीरियर वॉल्स को दोनों हैंड से फर्मली पिचका के देखेंगे, अगर उससे ब्लीडिंग बंद हो रही है तो वी कैन से कि टेम्पोनाड टेस्ट इज पॉजिटिव। फिर कुछ सर्जिकल मेथड्स हैं, हम अगर फिर भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो तो बी लिंच सूचर, जिसमें कि वाइक्रिल से बी लिंच दब देते हैं, जब जो है ये लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं और सिजेरियन के वूंड्स स्टिच नहीं कर रहे हैं, हिस्टरेक्टमी कर सकते हैं। हेमैन और परेरा भी हैं, बेसिकली एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स को कंप्रेस करना, हेमैन में ऊपर स्टिच लग जाते हैं। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के लिए 2 लार्ज बोल कैनुलास देने हैं, फ्लूइड RL और NS करना है। हमें हमेशा ट्रांसफ्यूजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए क्रॉस मैचिंग के लिए सैंपल निकालना है, कोएगुलेशन स्क्रीन PTINR करना है, वॉर्म रिससिटेशन फ्लूइड करना है, ब्लड बैंक को अलर्ट कर देना है और ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। मासिव ब्लीडिंग हो गई है तो ऑब्वियसली कोएगुलेशन फैक्टर्स का लॉस होगा, तो FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड प्लेटलेट कंसेंट्रेट्स में भी गिवन। बेसिकली पेशेंट की पल्स, BP, CVP, ब्लड गैसेस और कैथेटराइज करना है, हमें ऑक्सीजन बाई मास्क देना है। वैसे कहते हैं कि ओ नेगेटिव ब्लड कैन बी गिवन अगर वो अवेलेबल नहीं हो पाया है स्पेसिफिक। ये सब कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि सेप्सिस, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म विच में कॉज PPH, हेल्प सिंड्रोम में है पेशेंट, डाइल्यूशनल कोएगुलोपैथी में कोएगुलेशन फैक्टर्स है ही नहीं तो फिर ब्लीडिंग कहाँ से होगी। पेशेंट को थ्रोम्बोफीलियाज है, वो एंटी कोएगुलेंट थेरेपी पे है या फिर इनहेरिटेड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं। बेसिकली हमें फॉर्सेप्स वेंटूस डिलीवरी अवॉइड करनी है, लार्ज एपिजियोटमीज अवॉइड करनी है। कभी कभी क्या होता है कि नर्सेस डिलीवरी मिडवाइव्स बेबी के साथ चली गई तो देर इज मदर अकेली रह गई, तो एटलीस्ट इतना स्टाफ होना चाहिए कि बेबी के लिए हैंड ओवर कर दे और ऑब्स्टिट्रिशियन अब अपना PPH मैनेजर फॉर ब्रांड एंड्रयूज टेक्निक से यूट्रस से ब्लड प्लेसेंटा डिलीवर करने में लग जाए। VBAC जो केसेस होते हैं वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, इनमें रप्चर होने के चांसेस होते हैं, ऑब्वियसली रप्चर होगा तो PPH होगा, इसलिए ऐसे केसेस में स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए अगर हम वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन ट्राई करना है और फिर भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं है तो रेडियो
इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कैन बी ट्राइड। ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज हो रही है तो हमें कब यूट्रस को ओपन करना पड़ सकता है, अगर हम बी लिंच सूचर वगैरह ये सब लगाना चाहें, हीमैन सूचर पेरेरा, पेल्विक हीमाटोमा एक्सपेंडिंग हो। दो तरह के अगर हीमाटोमास हो सकते हैं, सुप्रा लिवेटर हीमाटोमा, इन्फ्रा लिवेटर। तो अगर उसका अपेक्स पकड़ में नहीं आ रहा है, वल्वल हीमाटोमा में जो ब्लीडिंग साइट है, बेसिकली हमें पल्स बीपी यूरिन आउटपुट से पता चलता रहेगा, और आयोटिक कंप्रेशन अगेंस्ट सेक्रल प्रोमोंट्री इससे भी हम अवॉइड कर सकते हैं। ये अलग कॉम्प्लिकेशन है, किडनी इंजरी, शॉक लंग, शीहान सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम में जब एंटी पिट्यूटरी की निक्रोसिस हो जाएगी तो TSH, FSH, LH सभी कम हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ इंजरी ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये ट्रोमेटिक PPH के कॉसेस होंगे, ये एटोनी में, यूट्राइन में, ग्रांड मल्टी में। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लेडी।